इस कोरोना काल में कोरोना से हटकर एक अलग खबर जिले के गोपारू थाने में एक अजीब तरह का मामला पहुंचा। ये मामला आपराधिक नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का है, जहां कुछ दिन पहले एक बालिग युवक और युवती घर से लापता हो गए थे। दोनों पक्षों ने अपने अपने बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट संबंधित थाने क्षेत्र में दर्ज कराई थी, जिसके पड़ताल के बाद दोनों युवक युवती को जब पुलिस ने दस्तयाब कर लिया और परिजनों के हवाले करने लगे तो लड़की के परिजन युवती को अपने पास स्वीकार करने से इनकार करने लगे। लेकिन पुलिस ने यहां महती भूमिका निभाते हुए थाना परिसर में भगवान के मंदिर में युवक युवती की शादी रचा दी। गोपारू थाना क्षेत्र में पकरिया गांव में कुछ लोगों ने 27 अप्रैल को उनकी बालिग बेटी के गम जाने की शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन कुछ देर बाद ग्राम पहलवाल से एक परिवार अपने ब्लॉक बेटे के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराकर, जिस पर गोपारू पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 30 अप्रैल को दोनों युवक युवती को दस्तयाब कर परिजनों के हवाले किया। लेकिन युवती के परिजन युवती को स्वीकार करने से इनकार करने लगे। युवती के परिजन द्वारा स्वीकार करने पर वहीं थाने परिसर में बने मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ दोनों युवक युवती की शादी कराकर ब्याह के बंधन में बांध दिया गया। मैं हमेशा इसके साथ जीवन भर रहूंगा, इसे विवाह करता हूं मैं सबके सामने। बोल बोल हनुमान जी के सामने खड़े हो। बोलो बोलो लड़के, ये मां सुतार शादी हो रही तुम्हारी, नहीं बोल रहे क्या? बोलो हां सर, रख लो तुम, पकड़ लो हाथ, हाथ पकड़ो। जीवन भर शादी करेंगे ना दोनों, आज हम दोनों शादी कर रहे हैं। आज हम दोनों अपनी मर्जी से यह वचन देते हैं कि हम दोनों आपस में पति पत्नी के रूप में अपना दाम्पत्य जीवन निर्वाहन करेंगे। और इस लड़की का नाम है नान भाई को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे। इसके जीवन जिंदगी का और खुशहाली का पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक चलो ऐसे हाथ उठा लो हनुमान जी की तरफ से, दोनों प्रणाम करो, जाओ हंसो नहीं, प्रणाम करो, उसके ध्यान रखो लड़की का, अभी छोड़ना होगा नहीं लड़की। वीडियो बना गुप्ता जी, बना रहा हूँ सर। बोलो बजरंगबली की जय। मंगलम हवान विष्णु मंगलम गुण ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलायतनो हरि हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो पूखा विद्युत स्वाह स्वस्तिना अरिष्टनेमु ओम गणानंता गणपति गुंगवामहे बसो मम आवाजामि गर्भदम अविरल मज्जल मेम्रम कुरानि कपित कवल अभिमत पलदाताराम कामेशम गणपति मंदे यश्च माता महादेवी पिताश्च ग्रामोस्का वानमिश्च साम पात गुजारण हतमे माता च पिता तमेव तमे बंधु चकातमेव तमे विद्या द्रवण तमेव तमे सर्वम मम देव देव प्रणाम कर ले भगवान का। गोपारू में अभी एक युवक युवती की शादी कराई गई है, क्या मामला है? जी मामला ऐसा है कि दिनांक 29 तारीख को ग्राम सकरिया से कुछ परिजन आए थे, जिन्होंने अपनी बच्ची की दिनांक 27 को गुम जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर गुम इंसान दर्ज किया गया था। और उसी दिनांक को ही ग्राम पहलवा से एक लड़के का अमित गुप्ता का गुम इंसान दर्ज हुआ था। तो उस गुम इंसान की तलाशी के दौरान 30 तारीख को ही गोपारू पुलिस के द्वारा उन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया, और जब उनके परिजनों को लड़की सुपुर्द की गई तो उन्होंने उनको रखने से इनकार कर दिया। दोनों ही लड़के लड़की बालिग थे, लड़की 21 वर्ष की और लड़का 23 वर्ष का था। तो उन पर चूँकि कोई सामाजिक दबाव नहीं बन रहा था, विवाह जैसी किसी संस्था का दबाव नहीं बन रहा था, तो पुलिस को इस चीज़ का भय था कि हो सकता है भविष्य में ये अपने जीवन का अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करेगा। इस कारण से मंदिर परिसर में थाना परिसर में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर मंत्रोच्चारण के तहत उनको एक दूसरे के प्रति वचन दिलवाए गए और शादी जैसी छोटी सी प्रक्रिया के तहत लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए और इसका पालन करते हुए उनका विवाह संपन्न सामान्य तौर पर करवा दिया गया था।